तो हेलो दोस्तों, मैं संदीप गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द आर एफ संजय एंड दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ जोधपुर जयपुर डबलिंग एंड इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट। तो इससे पहले पार्ट वन एंड पार्ट टू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ एंड एक रिकवर पार्ट वापस डाला है मैंने पीपा रोड से लेकर खारे खंगार पर एज योर हाई डिमांड। नाउ अब आपको मैं देता हूँ फुलेरा से लेकर मखाना तक की डबलिंग प्लस इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट, जिसमें आपको आज फुल डिटेल अपडेट देने वाला हूँ। तो आप सभी से चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। सो नाउ वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं और फुलेरा से डिपार्चर लेते हैं और डिपार्चर लेते हैं आप सब देख सकते हैं जो पोस्ट लगाने का काम है वो यहाँ पर लगाया जा चुका है, जो फाउंडेशन रिलेटेड जो वर्क है वो यहाँ पर डन हो चुका है एज यू कैन सी इन योर वीडियो। तो ये जो पोल है ये बस एक दो ही लगाए रखे हैं जोधपुर के साइड और आप साइड में देख चुके होंगे कि जो स्लीपर्स है वो यहाँ पे लाया जा चुके हैं और जो फाउंडेशन से रिलेटेड जो वर्क है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। डबलिंग रिलेटेड बात करूँ तो डबलिंग इसके अपोजिट साइड में होगी, यहाँ पे एक रोड ओवर ब्रिज आता है उससे पहले जो डबलिंग का वर्क है वो अब उसके अपोजिट साइड में है। तो जब तक वो रोड ओवर ब्रिज नहीं आता तब तक आप फाउंडेशन का काम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे और एज यू कैन सी रोड ओवर ब्रिज आते ही जो हमारा डबलिंग साइड है वो चेंज हो जाएगी और उसके लिए यहाँ पे जो रोड ओवर ब्रिज और यहाँ पे जो पुल का निर्माण है मतलब ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है वो रनिंग में है। आर ओ बी के बाद में हार्डली 400 से 500 मीटर की दूरी पर आप देख सकते हो डबलिंग का रिलेटेड जो जमीन समतल का काम है वो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है और थोड़ी दूर में जैसे सिग्नल आता है तो आप देख सकते हैं जो ज़मीन समतल का काम है वो पूरा हो चुका है और यहाँ पे बैलेंस जो है वो लाए जा चुके हैं। तो ज़मीन समतल का जो काम है वो अच्छी तरीके से हो गया है, पुल का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी आपको अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं पूरा हो चुका है और जो ज़मीन समतल है और उसके पास में आप देख सकते हैं स्लीपर्स लाए जा चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर काम जो डबलिंग रिलेटेड है वो पूरा हो गया, बस स्लीपर और बेस्ट लेयर बिछाना अभी बाकी है। तो ना ये काम आप देख सकते हैं सांभर लेक तक। तो सांभर लेक के लूप लाइन से पहले पहले जो ज़मीन समतल का काम है वो पूरा करके रख दिया गया है। सांभर स्टेशन की बात करूँ तो सांभर स्टेशन पे डबलिंग रिलेटेड अभी वर्क स्टार्ट हुआ नहीं, लेकिन सांभर क्रॉस करते ही जो डबलिंग रिलेटेड जो वर्क है वो स्टार्ट हो चुका है, जबकि पहले दिसंबर मंथ तक जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ पर स्टार्ट हुआ नहीं था। डबलिंग रिलेटेड वर्क से मतलब है कि यहाँ पर न्यू प्लेटफॉर्म का कंस्ट्रक्शन जो कि अभी यहाँ पर स्टार्ट हुआ नहीं है और आप देख सकते हैं जो स्लीपर्स है वो यहाँ पर लाए जा चुके हैं और यहाँ पर मिट्टी को ला कर ज़मीन को एक लेवल के बराबर तक यहाँ पे समतल करने का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि सांभर लेक और जो लाइन है मतलब पटरी है उसके बीच की जो हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से यहाँ पे ज़मीन को पहले खोदा गया था और यहाँ पे मिट्टी डाल के उस ज़मीन को प्लेन किया गया। तो ये खोद के और मिट्टी डालने का प्रोसेस इसलिए किया गया क्योंकि सांभर लेक की जो मिट्टी है वो दलदली है, जिस वजह से यहाँ पर ट्रैक बिछाने में प्रॉब्लम आती। और आगे का वर्क आप देख सकते हैं कैसा चल रहा है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ जो खड्डा खोदने का काम है वो हो गया है, बट यहाँ पे मिट्टी लाकर बिछाने का काम भी यहाँ पे स्टार्ट होना भी बाकी है। सांभर लेक से निकलने के बाद देख सकते हैं जो खड्डा खोदने का काम है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ नहीं है। तो इस छोटे से सेक्शन में थोड़ी सी किलोमीटर के बाद में आपको जो जमीन समतल का काम है वो वापस दिखने लग जाएगा। ना बात करते हैं गुड़ा स्टेशन की, तो गुड़ा स्टेशन पर जैसा आप देख सकते हैं जो न्यू लाइन है मतलब न्यू लूप लाइन की जो ज़मीन समतल का काम है और जो प्लेटफॉर्म बनाने का काम है वो रनिंग में है। और गुड़ा स्टेशन एंटर करने से पहले लूप लाइन से जस्ट थोड़ी सी आगे आपने देख लिया होगा कि जो ब्लॉक ब्रिज का जो निर्माण है वो पूरा हो चुका है। तो गुड़ा से निकलते सेम सिचुएशन है कि ज़मीन को अच्छी तरीके से जो समतल करने का काम है वो पूरा कर दिया गया है अप टू गोविंदी मार रोड।
उसका बात करें जब फ्रेजर से लेकर नावा सेक्शन के बीच का सबसे बड़ा ब्रिज की, तो ब्रिज के लिए आप देख सकते हैं जो पिलर्स है वो यहाँ पे बना के रख दिए गए हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे जो काम है वो नहीं हुआ है। और जैसे आगे निकलते तो ज़मीन की कंडीशन आप देख सकते हैं, जो घास फूस है वापस यहाँ पे उग गए हैं। तो ज़मीन की कंडीशन को देख कर कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्लेन करने का काम है, यानी ज़मीन समतल का काम है, वो ढंग से हुआ नहीं है। ना बात करें गोविंदी मारवाड़ की, तो गोविंदी मारवाड़ पर देख सकते हो लूप लाइन के लिए जो ज़मीन समतल का काम है वो पूरा कर दिया गया है। न्यू प्लेटफॉर्म के लिए अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाने का जो काम है वो चल रहा है। तो ये तो थी डबलिंग की बात। ना हो कुछ बात करें इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आप देख सकते हो गोविंदी के बाद में जो फाउंडेशन बनाने का काम है वो पूरा हो चुका है। थोड़े से किलोमीटर के बीच में जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, वहाँ पर काम हुआ नहीं है। तो जो फाउंडेशन काम था वो तुरतमती ब्रिज तक हुए, यानी नावा के आउटर तक, जो नावा से पहले आता है। तो वापस आते हैं डबलिंग पे, और डबलिंग पे आप देख सकते हैं जो नावा का आउटर है यहाँ पे, डबलिंग रिलेटेड कोई भी वर्क अभी यहाँ पे स्टार्ट हुआ नहीं है। इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करूँ नावा सिटी पे, तो नावा सिटी पे प्लेटफॉर्म पे फाउंडेशन बनाने का रिलेटेड जो वर्क है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ नहीं है। तो इन शॉर्ट बोला जाए तो सिर्फ आउटर तक जो फाउंडेशन का काम है वो पूरा करके रख दिया गया है। नाव आप लेते हैं नावा सिटी से डिपार्चर, और डिपार्चर लेते देख सकते हैं जो फाउंडेशन रिलेटेड जो वर्क है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ नहीं है। नाव बात करें डबलिंग की, तो डबलिंग के लिए जो मेन लाइन होगी वो जिस ट्रैक पर अभी हमारी ट्रेन रन कर रही है वही होने वाली है आने वाले टाइम में। जैसा कि अपने स्क्रीन को देख सकते हैं, जो दो लाइन आकर मर्ज हो रही है, तो वो लाइन इसलिए है कि यहाँ पे सॉल्ट प्रोडक्शन का जो काम है वो होता है, और यहाँ से सॉल्ट लोड होता है मालगाड़ी के थ्रू और एक्सपोर्ट होता है अदर्स कंट्रीज में एंड स्टेट में। तो नवा के डिपार्चर के बाद में आप देख सकते हो तो ज़मीन को अच्छी तरीके से प्लेन करना था वो किया नहीं है, बस हल्का फुल्का प्लेन करके रख दिया गया है। और यहाँ पर अंडर ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन है वो कम्प्लीटेड है। नवा सिटी से थोड़े किलोमीटर के बाद में जो ज़मीन को अच्छी तरीके से समतल करने का जो काम है वो पूरा कर दिया गया है। बात की जाए नया खारेड़िया की, तो नया खारेड़िया में देख सकते हैं अंडर ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा हो चुका है, और जो न्यू कंस्ट्रक्शन चल रहा है ब्रिज का वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो न्यू लूप लाइन के लिए जो ज़मीन को अच्छी तरीके से समतल करना था वो अभी यहाँ पे किया नहीं गया, बस ठीक है ज़मीन को एक तरीके से प्लेन करके रख दिया गया है। नया खारेड़िया के बाद वापस थोड़ी चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो इलेक्ट्रिफिकेशन की आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फाउंडेशन बनाने का काम है वो पूरा हो चुका है। तो डबलिंग की बात की जाए नया खारेड़िया से कुचामन तक की, तो जो ज़मीन को अच्छी तरीके से पेंट करके यहाँ पे रख दिया गया है, और तो जो इलेक्ट्रिफिकेशन की जो फाउंडेशन है वो डबलिंग के अपोजिट साइड में बनवाया था, तो जिस वजह से मेरे को दोनों इस वीडियो में कवर करने थे, जिस वजह से मैं अभी आपको थोड़ा इलेक्ट्रिफिकेशन का बता रहा हूँ। तो एक और बात मेरे को बड़ी मस्त लगी, फाउंडेशन के साथ साथ यहाँ पे जो सब स्टेशन का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी यहाँ पे चल रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करी जाए कुचामन सिटी पे, तो कुचामन सिटी पे जो स्टेशन पे जो फाउंडेशन का काम है वो यहाँ पे बना दिया गया है, और तो और यहाँ पे जो पोल्स है वो यहाँ पे लाए जा चुके हैं एज यू कैन सी इन योर वीडियो। नाउ डिपार्चर लेते हैं कुचामन सिटी से, और कुचामन सिटी से डिपार्चर लेते हैं, हमारी ट्रेन जो है नई लाइन पे एंटर कर चुकी है, और पुरानी लाइन पे आप जैसे देख सकते हैं कि जो फाउंडेशन रिलेटेड जो वर्क है वो कंप्लीटेड हो गया है। तो ये जो फाउंडेशन रिलेटेड जो वर्क है वो आपको मकराना कुचामन रूट के जो हाईवे आता है
ब्रिज आता है वहीं तक आपको ये फाउंडेशन का जो काम है वो दिखेगा, और उसके बाद में जो हमारी लाइन है वो चेंज हो जाएगी, मतलब जो अभी हमारी जो ट्रेन रन कर रही है नई लाइन पे वो पुरानी लाइन पे शिफ्ट हो जाएगी, और जो पुराने वाली लाइन है वो आगे जाके नई लाइन में चेंज हो जाएगी। तो अभी नई लाइन की बात करूँ यानी जिस ट्रैक पर अभी हमारी ट्रेन रन कर रही है उसके अपोजिट साइड में जो फाउंडेशन का काम है वो स्टार्ट हो चुका है, और पुराने वाली लाइन पर जो फाउंडेशन का वर्क है वो आप सब देख ही सकते हैं। तो यही है वो ब्रिज जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। इसके आगे थोड़ी से मीटर दूर एक कर आते ही जो ट्रैक का जो साइड है वो चेंज हो जाएंगे। तो अब नई लाइन की बात करें तो नई लाइन पे जो फाउंडेशन का काम है वो स्टार्ट हुआ नहीं है, बल्कि पुरानी वाली लाइन पे जो फाउंडेशन रिलेटेड जो वर्क है वो स्टार्ट हो चुका है, और ये सीन आरओबी से लेकर मकराना जंक्शन तक का है। न्यू लाइन पे फाउंडेशन का काम सिर्फ मकराना के आउटर में ही आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, और स्टेशन की बात करूँ तो स्टेशन पर मेरे को फाउंडेशन का काम जो है वो दिखा नहीं। तो ये थी आज की अपडेट फ्लेयर से लेकर मकराना की डबलिंग प्लस इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट, जिसमें मैंने आप दोनों कवर किए और दोनों की डिटेल अपडेट आपको दी। आशा करूँगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलता हूँ आप सभी से इसके नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 4 में, जो होने वाला है हमारा मकराना से लेकर गोटन तक की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट, जिसमें फुल्ली इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट है, डबलिंग वर्क पूरा हो चुका है इस बीच का। तो मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।